सो आज एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जैसे कि टाइटल से पता चल ही गया होगा, वैसे मैं टाइटल में भी डाल दूँ पता नहीं। अभी टाइम हो चुका है 11:15, अभी मैं जा रहा हूँ प्रभजोत के पास, उसको जा रहा हूँ बाइक की सर्विस कराने के लिए। सो एक बड़ी अनाउंसमेंट है, एक्साइटेड हूँ। सो व्हाट्सअप पीपल, कुलदीप दिस साइड, बाइक विद नरवड़ी, चलिए शुरू करते हैं। बाकी मैं भी बाइक का कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, निकलता हूँ और मिलता हूँ आपको मोटर ब्लॉक पे। जो मैं राइड जाने वाला हूँ, काफी ज्यादा लंबी राइड रहने वाली है और आपको देख के मजा आएगा। मुझे तो मजा आने वाला है बट आपको मेरे से ज्यादा मजा आने वाला है और अलग अलग चीजें आप देखने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो आपका जो मजा है ना, वो डबल ट्रिपल रहने वाला है मेरे से, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो तैयार करने की सोच रहा हूँ। प्लानिंग चालू है, प्लानिंग जबरदस्त करने वाला हूँ मैं। और ये भी बता देता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नजदीक है, विद इन वीक है। तो सोच ही सकते हो तो कितनी जल्दी हम अपनी जो नेक्स्ट लॉन्ग राइड है, काफी धमाकेदार राइड है ना, उसमें निकलने वाले हैं। बाकी अभी टाइम जैसे कि मैंने बताया तो 11:30 हो चुके हैं, 10-15 मिनट हो गए होंगे निकले। पेट्रोल डलवाया था, फिलअप करा लिया है। जो मेरा लास्ट काम बचा था वो बाइक की सर्विस का था, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी रिसेंटली वीडियो वैसे मैंने डाली नहीं, मैं हैदराबाद गया हुआ था, काफी पूछ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहाँ पे फोटोज वोटोज डाली है। सो मैं हैदराबाद गया था, जी हाँ, मेरे मामा जी के लड़के की शादी थी तो मैं वहाँ पे गया था, अटेंड करके आया था, 3-4 दिन रुका। मैंने वैसे फील नहीं आया अंदर से कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो अदरवाइज मैं बनाता। कई बार होता है कि फील सा नहीं आता है कि यार वीडियो बनानी चाहिए, और वैसे भी फैमिली फंक्शन थोड़ा सा इंजॉय करने गए थे तो इसलिए दैट्स व्हाई नहीं बनाई मैंने। अगर कमेंट करेंगे कि हाँ यार बनानी चाहिए, कि ऐसे ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, तो डेफिनेटली अगली बार से वो भी नहीं छोड़ेंगे। प्रभजोत से बता दिया था और होपफुली रेडी रहेगा तो बढ़िया है। प्रभजोत आ गया है। मैंने वहाँ पे वीडियो ध्यान बनाना ध्यान नहीं रहा तो मैंने आपको दिखा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, मैं बिजी हो गया था जीजा के साथ, तो बातें कर रहे थे कहाँ से जाने वाले हैं, क्या प्लान है अपना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक हो रखा है, ट्रैफिक से निकलने के लिए क्या किया जाए। वैसे भी टाइम तो नहीं था ट्रैफिक का, बट ट्रैफिक मिल गया, बट इतना भी नहीं है कि रुकना ही पड़ रहा है, इधर उधर से कट मार के इधर उधर से निकल ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। चले जा रहे हैं। स्कूटी वाला भी देख रहे हो कैसे भगाए जा रहा है। उधर जगह ज्यादा लग रही है, इधर ज्यादा है, इधर से साइड से निकल जाएंगे। ओहो, उधर से निकल गए, वो तो भाग गए और हम यहाँ रुक गए, ये तो गलती हो गया है। ट्रैफिक अभी तक का यही हाल था, बाकी यहाँ पे आके थोड़ा सा रिलीफ मिला था, बाकी ये रेड लाइट आ गई है तो यहाँ पे तो मिलने वाला ही था ट्रैफिक। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना ट्रैफिक मिलेगा, इसका रीजन ये है कि यार टाइम यार अभी 12 बज चुके हैं, अभी ट्रैफिक है, ये कैसे। अरे यार सही खींच के लिया है, शुरू में तो थोड़ा सा था ट्रैफिक, बट उसके बाद ट्रैफिक में फिल्टर इतना था कि चल रहे हैं ऐसे फिल्टर करके अच्छी तरह निकल के आगे। अभी ये थोड़ा सा रेड लाइट थी इसलिए रुक रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज सही चल रहे हैं। करना पड़ेगा, वैसे भी कहना पड़ेगा। नहीं, प्रभजोत जो दूसरा वाला रास्ता सजेस्ट कर रहा था कि नहीं इस वाले से नहीं दूसरे वाले से चलते हैं, मैं बोला नहीं यार यही सही है, अंदर से देखते हैं, हाँ आगे निकल जाएंगे सीधा। ये थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, ये हो जाएगा क्रॉस। क्या बात है, ऐसे 2-4 कट और मिल गए ना तो बस पहुंच जाएंगे अभी। भाई देख के तूने इंडिकेटर तो दे रखा, पीछे से कुछ आ रहा वो भी तो देख ले भाई। वैसे मैंने पहले ना मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लिया था, पर कुछ काम आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा लेट का लिया मैंने, 1 बजे का अपॉइंटमेंट लिया। सो अपने केजरीवाल जी ने ये कर रखा है, रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, तो हमने भी ऑफ कर दिया है, बट बैटरी डाउन हो जाएगी ना। BS6 में क्या हो गया, लाइट ऑन रहती है, अब इसको भी ऑफ करेंगे, एकदम से ग्रीन हो गई ना, तो इसको ऑन करने में इतना स्टार्ट करने में इतना टाइम लग जाएगा कि पीछे से हॉर्न मार मार के हमें भगा देंगे, क्या चलो निकलो यहाँ से, क्या करने आयो, भगो ए बोलो वाले, कितनी आगे निकलेगा रे। फोन बजा, नहीं आगे, अभी आगे है। अभी फोन पे फोन बज रहा था और आगे देखा 80,000 खड़ी है, वैसे घर से आ रहा था फोन। क्या बात है, अपनी जैसी बाइक देखने के लिए मिल गई, क्या बात है। बट मेरे में एक्सेसरीज ज्यादा लग रही है, 1 बजे की कहा था, 1 बजे पहुंचे भाई, वो भाई जल्दी आके मिलते हैं अंदर से। खाना अपना आ चुका है, तू कहाँ लेके निकल रहा है खाने को? बाय बाय, रिक्शा लेके निकल गया भाई ये तो। अभी ना अंदर खाने का मूड नहीं था, क्योंकि बहुत बंदे हैं तो शर्मा शर्मी में वो मांगेंगे नहीं और हम देंगे भी नहीं, तो इसलिए बाहर आ गए, बाहर खाना खा लेंगे। तेरा हिस्सा बकेट में से एक पीस दे दिया भाई हमने,
अब तू ना खा मौज ले भाई। मैंने नहीं दिया उसे, जिसने दिया है। मैंने तो अपना बर्गर खत्म कर दिया था। ठीक है यार, सही काम किया उसे। देख रहा था यार बेचारा, अच्छा लग रहा है, मजा नहीं आएगा। अभी प्रभजोत ने टायर चेंज करा रहा है, उसका रीजन है कि इसमें छोटे छोटे पंचर हो गए थे और पता नहीं उनको मिल क्यों नहीं रहे थे, दिख रहे हैं जितने भी बबल्स हल्के हल्के, ये सारे छोटे छोटे पंचर है और एक नहीं काफी ज्यादा है, कम से कम 10 से 15 है। तो पंचर लगाने से बेटर है कि टायर चेंज करा लिया जाए। तो अभी टायर का नया लोट भी आ गया था टाइम से पहले, और क्या चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए। अभी कारू स्ट्रीट डलवाए हैं, मुझे ये टायर इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि साउंड होती है। अच्छा 60-40 है ये ऑफ रोड ऑन रोड, या 70-30 लगा लो, ऐसा ही लगा लो, बीच में कहीं आते हैं ये। इससे बेटर जो उसमें आते हैं ना स्ट्रोक वाले, वो ज्यादा बेटर लगते हैं। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, अभी वैसे अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत थी, तो अभी ये लगवा लिए, ज्यादा फर्क है नहीं। देखते हैं परफॉर्मेंस, यूज करें तो पता चलेगा ना, यूज करें तो पता चलेगा ना। जी जी जी, बिल्कुल नींद आ रही है। हाँ भाई कहाँ जाना चाहिए, तो नाम मत बोलना, सीक्रेटली बोलना कि इधर जा या उधर जा, ऐसा कुछ है। डिसाइड तो कर लो। ये वाला वाली करनी चाहिए सीधे सीधे, नहीं वो दोनों वाली तो आप ऐसे ही कह रहे थे। हाँ ये या तो ये पहले मेरे से बता दो ना, अब मैं काट दूंगा पोर्शन। मैंने तो बताया अगर व्यूज सही है, हाँ। जनता अगर देखेगी तो केटू के देखेगी, हाँ। नेपाल कम देखेगी, नेपाल कम देखेगी, नेपाल कम देखेगी। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप लोग जैसे साथ में जा रहे हो तो नेपाल देखेगी जनता। इतनी ट्रैफिक में से कैसे गूगल, गूगल कैसे भाई, ये तो बाजार में चल ले, देख ले चल के। सर इनके टूट जाते हैं आपके, रिप्लेसमेंट हो जाती है, आप आके प्रभजोत ने न्यू बूट बाय कर लिया है, अपने नया बूट है भाई ये। प्रभजोत ने न्यू बूट बाय कर लिया है, खुश पहले बूट के बोला था, फिर गलती से निकल गया यार, कोई टेंशन मत लिया करते, तो निकल जाता है। बाकी नेक्स्ट राइड के लिए बाय किया है, अब जाना का है वो भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी हम ऐसे क्या एक आइडिया दिया है, अगर देख लो तो माइंड में क्लिक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी हमें खुद ही नहीं पता कहाँ जाना है। हाँ बस जाना है, लंबा जाना है। कितना डेज बता दूँ, 15 से 20 डेज का रहेगा ना। ठीक है भाई, सही है ना, डन है ना। प्रभजोत ने न्यू बूट्स बाय कर लिए, काफी शानदार लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मेरा भी मन कर तो रहा था बाय करने का, बट मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 बूट्स है मेरे पास और एक फट जाएंगे तो मे बी मैं बाय कर लूंगा, नहीं तो अदरवाइज को मतलब बनता नहीं, रखे रखे रह जाएंगे। कल बाइक की सर्विस डन हो गई है, खर्चा आया 15,000 के करीब। पहले से पहले ब्रेक पैड डलवा देते हो, नहीं तो 25,000 के करीब खर्चा आता है सर्विस में। तो कुछ सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ती है, बीएमडब्ल्यू से थोड़ी सी हल्की पड़ती है, बाकी इसके जो इंटरवल है थोड़ा सा पहले होता है तो मैं लगभग बराबर ही पड़ जाती है लगभग। बाकी उसके पार्ट्स अगर कुछ डलते हैं तो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बाकी बाइक रेडी हो चुकी है अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि कल डिस्कशन किया, कल नहीं परसों किया था क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई। सो आज कंटिन्यू कर रहा हूँ, डिस्कस किया कि हमें K2K जाना चाहिए, नेपाल जाना चाहिए। सो थोड़े से कन्फ्यूज थे क्योंकि नेपाल अभी ओपन हुआ है, 2 साल बाद ओपन हुआ है, उसके बाद हम सिक्किम भी जा सकते हैं, भूटान भी एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते कोई आइडिया नहीं है, वो वहाँ जाके पता चलने वाला है। बाकी और कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, है नई जगह देखने के लिए, वहाँ पे हम कभी नहीं गए हैं। बाकी साउथ साइड हम थोड़ा बहुत घूमे हैं, इतना नहीं, कन्याकुमारी तक नहीं गए हैं। बाकी उसके लिए भी थोड़ा सा हमें एक्साइटमेंट है कि K2K भी ही कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि K2K किया जाए नेपाल किया जाए, तो उस प्रॉब्लम को हमारी थोड़ी सोल्व किया जाए, आपकी राय हम ले रहे हैं। सो कमेंट करके बताइए, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर ये मत बताना कि बाद में मिस आउट कर दिया, हमने रिकमेंड नहीं किया है। कमेंट कीजिए कि हमें K2K जाना चाहिए या नेपाल जाना चाहिए। बाकी हम दोनों तरफ के लिए ओपन है, जहाँ आपकी श्रद्धा होगी, आपकी वोट्स होंगे, वहाँ पे हम डेफिनेटली जाएंगे और थोड़े बहुत मीटअप भी करेंगे, वहाँ पे मिलने के भी चांसेस आपके पूरे पूरे हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली कमेंट कीजिए हमें और बताइए कि हमें किधर जाना चाहिए। बाकी मज़ेदार राइड रहने वाली, काफ़ी लंबी राइड रहने वाली है, बाइक इतनी चल जाएगी कि टायर्स आके चेंज कराने पड़ेंगे, ब्रेक पैड चेंज कराने पड़ेंगे, दोबारा सर्विस करानी पड़ेगी, तो सोच सकते हो कितनी ज़्यादा बाइक चलने वाली है। अभी मैंने सब कुछ कराया आपके सामने और फिर दोबारा कराने वाला हूँ। एक दो ना राय घर से भी ले ली जाए कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो तो कहते हैं नंबर ऑफ डेज देखते हैं, बाकी नंबर ऑफ डेज लगभग सेम ही रहने वाला है क्योंकि एक्सप्लोर हम प्रॉपर करके आने वाले, अगर नेपाल जाएंगे K2K में डेल लगते ही लगते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और पूछते हैं। बेटा मुझे नेपाल जाना चाहिए K2K जाना चाहिए, इसको समझ तो है नहीं बट जितना भी ये बता दो तुम यार। नेपाल नेपाल जाना चाहिए,
सो एक वोट नेपाल के लिए आ गई है। कहीं भी नहीं जाना चाहिए कहीं। ये तो कही रही है कहीं मत जाओ, इतने दिन के लिए जा रहे हो। बताओ K2 के या नेपाल? कहीं भी नहीं। अरे एक बोलो यार। नहीं कहीं भी नहीं है कि तुम ये जब से यही कर रही है कहीं भी नहीं जाना। बता दो यार। कहीं भी नहीं। बताओ जल्दी बताओ, एक तो नाम देना पड़े। चलो एक काम करो, एक काम करो, मुझे एक आइडिया है। उंगली पकड़ो। तीसरी उंगली पकड़ ली इसने तो। सो देख रहे हो मिक्स रिएक्शन है, कुछ आइडिया दिया नहीं है। आप ही बता दीजिए मुझे कमेंट करके, जल्दी फटाफट बताइए। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, तैयारी मेरी तरफ से कंप्लीट होगी। आपकी राय की देर है, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ निकल जाएंगे। वोटिंग के लिए मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया, बट कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस शेयर कीजिए जितना हो सकता है। जल्दी मिलते हैं ऐसी वीडियो में। लिव लाइफ लिव ड्रीम। बाय।